हेलो दोस्तों, आज हम कवर करेंगे इंडियन T20 लीग का मैच नंबर 31 जो खेला जाएगा सनराइजर हैदराबाद रॉयल चैलेंज बेंगलोर का बीच। सनराइजर हैदराबाद और रॉयल चैलेंज बेंगलोर का बीच जो मुकाबला होगा वो कैसा होगा, पिच रिपोर्ट क्या रहने वाला है, क्या बैटिंग पिच है या बॉलिंग पिच या बैलेंस पिच। अगर बैटिंग पिच है तो कौन सा बैट्समैन चलेगा और कौन सा बैट्समैन फ्लॉप्स हो सकता है। डर्म कार्ड यूनिक बैट्समैन में कौन रहेगा, यूनिक कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन रहेगा, अच्छे खासे परफॉर्म इस ग्राउंड पर कौन करेगा, कौन सा प्लेयर है जो आज का मैच में अच्छे खासे प्रदर्शन कर सकता है, कौन सा प्लेयर है जो आज का मैच में फ्लॉप्स हो सकता है और जिनका सेलेक्शन परसेंट काफ़ी लो है वो आज का मैच में अच्छा खासा प्रदर्शन कर सकता है और जिनका सेलेक्शन परसेंट काफ़ी हाई है वो तो करता ही है। साथ ही साथ बताएंगे पिच रिपोर्ट क्या रहने वाला है, आपस में कुल कितने मुकाबले खेले हैं, कौन सा टीम स्ट्रॉन्ग है और कौन सा टीम कमज़ोर है, ताकि आपको टीम बनाने में कोई परेशानी या कोई कठिनाई ना हो। चलिए आपको ज़्यादा समय ना लेते हुए विकेट कीपर सेक्शन से बात करते हैं। विकेट कीपर सेक्शन सनराइजर हैदराबाद की तरफ से हरिकेन्स को मात्र 2 ही मैच में मौका मिला है, 2 मैच खेला है और जिसमें शतक और अर्धशतक लगाए हैं। लेकिन सनराइजर हैदराबाद की तरफ से स्ट्रॉन्ग बल्लेबाज के साथ साथ विकेट कीपरिंग की भूमिका काफ़ी अच्छे से निभाता है। चाहे आप लोग हेड टू हेड लीग या स्मॉल लीग, मेगा जीएल, जीएल का रिक्सी टीम, जो भी टीम बनाते हैं उन टीम में आप इस सनराइजर हैदराबाद की तरफ से हरिकेन्स को जरूर रखिएगा। अब बात कर लेते हैं इन दोनों में से दिनेश कार्तिक जो है अच्छे खासे प्रदर्शन करेगा। आरसीबी की एक ऐसे विकेट कीपर के रूम में उभर कर आया है जो इस आईपीएल के दौरान 5 नंबर में उतरने के बाद जुद भी अच्छे खासे प्रदर्शन करता है, अगर बैटिंग से नहीं तो विकेट कीपरिंग से अच्छे खासे पॉइंट देकर जाता है। साथ ही साथ आप भी जानते हैं ये अनुभवी के साथ साथ इनके अंदर काबिलियत और एक्सपीरियंस भी भरा हुआ है। ए रावत अच्छे खासे प्रदर्शन करेगा, कभी एडर्म कार्ड यूनिक होगा, कभी रिक्सी होगा, कभी फ्लॉप्स होने का संभावना रहता है। ये जो है ये 2 विकेट कीपर यानी 2 विकेट कीपर है जिनका रिकॉर्ड अच्छे खासे हैं और अच्छा खासा प्रदर्शन करेगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं बैट्समैन में आने से पहले मैं आप लोगों को पिच रिपोर्ट बता देते हैं। पिच रिपोर्ट जो है बैटिंग पिच है, गुड पर प्रेशर है, यहाँ पर एवरेज स्कोर 196 है, वेन्यू राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद। राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम जो हैदराबाद का है, हैदराबाद का स्टेडियम कैसा रहने वाला है ये भी बताएंगे। देखिए हैदराबाद का बैटिंग पिच है, अभी सनराइज टी हेड भाई 1 मुकाबले इस टीम के खिलाफ खेलने का मौका मिला है आरसीबी के खिलाफ। टी हेड इनकी बल्ला से इतना चौके छक्के लगा है, कम ही बॉलों में शतक लगा दिए हैं और इनके अंदर काबिलियत है और ये जॉस बटलर की ही तरह तूफानी बल्लेबाजी करते हैं, इसे तो आप अपनी टीम में जरूर रखिएगा। विराट कोहली इस टीम के अगेंस्ट 1 मुकाबले में शतक लगाए हैं, बाकी में फ्लॉप्स रहे हैं। 3 मुकाबले खेलने का इन्हें मौका मिला है, 3 में 2 में फ्लॉप्स हुए हैं, 1 में अच्छा खासा प्रदर्शन किया है। उसके बाद बात कर लेते हैं डिप्लोसी भाई, डिप्लोसी जो है ये ठीक ठाक प्रदर्शन करेगा, अच्छे खासे हैं, हीटर बैट्समैन है। अभिषेक शर्मा भाई इनकी भी बल्ले कम ही बॉलों में अधिक ज़्यादा रन बनाने की काबिलियत रखता है, इसलिए इन 4 बैट्समैन को आप अपनी टीम में रख सकते हैं।
क्योंकि इन चार बैट्समैन के रूप में आपको सेफ बैट्समैन कोई नहीं मिलेगा। अब बात कर लेते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में, जिसे आप लोग ऑलराउंडर सेक्शन में कहते हैं। ऑलराउंडर सेक्शन में आने से पहले मैं आप लोगों को पिच रिपोर्ट बता देते हैं। पिच रिपोर्ट तो मैं बता दिया है, और ये बता देते हैं इस ग्राउंड पर कितने मुकाबले दोनों टीम खेले हैं। इस ग्राउंड पर दोनों टीम मिलाकर कई बार हेड टू हेड मुकाबले दोनों टीम मिलाकर 23 खेले हैं। 23 में 13 और 10 का कम्बिनेशन है। यार आरसीबी की तरफ से जो है वो 10 मुकाबले जीते गए हैं और सनराइजर हैदराबाद 13 मुकाबले जीते हैं। कहीं ना कहीं सनराइजर हैदराबाद जो है आरसीबी से थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। और इस ग्राउंड पर चाहे बैटिंग फर्स्ट करना या बैटिंग सेकंड करना, दोनों इनिंग में अच्छे स्कोर बन जाता है, और जो भी टीम टॉस जीतेगा वो बैटिंग करने का फैसला लेगा, क्योंकि बैट्समैन को ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। आज का मैच में एडम मार्कर 4 नंबर में बैटिंग ऑर्डर आएगा, अच्छे खासे प्रदर्शन करने का उम्मीद और संभावना है। कॉलमन ग्रीन इस टीम के खिलाफ खेले नहीं है, लेकिन अगले मैच में अच्छे खासे प्रदर्शन किया है। जैक्स 3 नंबर में बैटिंग करेगा और पार्ट टाइम पूरे बॉलिंग करेगा। सरफराज हामिद खास प्रदर्शन नहीं कर रहा है, लेकिन रिकॉर्ड की दृष्टि से काफ़ी अच्छे हैं। अब बात कर लेते हैं बॉलर सेक्शन में। बॉलर सेक्शन में पैट कमिंस इस टीम के खिलाफ हमेशा विकेट निकालता है, सनराइजर हैदराबाद की तरफ से है। और यूनिक मोहम्मद सिराज तो खेलेगा नहीं, और मस्कुंडा, जिसे आप मस्कुंडा को अपने टीम में जरूर रखिएगा। मैंने 2 बॉलर रखा हूँ, और आरसीबी की तरफ से सनराइजर हैदराबाद की तरफ से मैं 2 बॉलर रखा हूँ, और 2 बॉलर रखने के बाद देखिए 3 ऑलराउंडर रखा हूँ, और 3 ऑलराउंडर में सनराइजर हैदराबाद की तरफ से मैं अपने टीम में 1 ऑलराउंडर रखा हूँ, आरवीसी की तरफ से 2 ऑलराउंडर रखा हूँ। अब बैट्समैन में देखिए मैं 4 बैट्समैन रखा हूँ, दोनों टीम से 2-2 रखा हूँ। विकेट कीपर में मैं दोनों टीम से 2-2 रखा हूँ। अब नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर टी वाइट कैप्टन और वाइस कैप्टन के रूम में हरिकेन्स रहेगा, सेफ कैप्टन और वाइस कैप्टन। अगर कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी रिक्सी देना चाहते हैं, कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी थोड़ा रिक्सी देना चाहते हैं, तो कैप्टन के रूम में टी वेस्ट रहेगा। अगर कैप्टन आप लोग सेफ देते हैं तो वाइस कैप्टन पर रिक्स लीजिए, अगर वाइस कैप्टन सेफ देते हैं तो कैप्टन पर रिक्स लीजिए। मैं डिप्लोसी को आज वाइस कैप्टन, कैप्टन टी वेड को दिया हूँ। सेफ टीम करते हैं। सेफ टीम करने के बाद देखिए अब आ जाता है एड बैकअप प्लेयर। मैं बैकअप प्लेयर के रूम में लेता हूँ, क्योंकि आप भी जानते हैं जब तक आप लोग बैकअप प्लेयर के रूम में लीजने से आपको 2 प्रॉफिट हो सकता है। किसी बैट्समैन को चोट लग गया या किसी बॉलर का चोट लग गया, उनके जगह बॉलिंग करने का हिसाब उसे भेज दिया जाता है, और जिसके कारण आपको अच्छे खासे प्रॉफिट दिलाने में सहयोग और मदद मिल सकता है। और इसके साथ साथ यहाँ पर बात कर लेते हैं, यहाँ पर आर प्रेडेटर ठीक ठाक प्रदर्शन करेगा, और यहाँ पर लोगी प्रोवेशन और नटराजन, इसे रखने के बाद देखिए इसे नटराजन। अब सेफ टीम करता हूँ। सेफ टीम करने के बाद देखिए मैं बैकअप प्लेयर के रूम में 4 रखे हैं, और 4 रखने के बाद देखिए मेरा टीम का परव्यू किस तरह से रहता है। ध्यान से देखिएगा, मेरा टीम का परव्यू अभी फ़िलहाल के लिए इस तरह से रहेगा। मैं कैप्टन अभी फ़िलहाल के लिए सेफ दिया हूँ, और वाइस कैप्टन पर रिक्स लिया हूँ। अगर इस तरह से टीम बनाएंगे तो आपको एंट्री फीस के सुबह 2-4% प्रॉफिट होगा। अगर ज़्यादा रिक्सी लेना चाहते हैं तो वो टॉस होने के बाद लीजिएगा। आज का वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद दोस्तों।